कुवैत आना चाहते हो तो किसी भी एजेंट को पासपोर्ट दो, तो जब तक आपका वीजा ना मिल जाए, टिकट ना हो जाए, एक रुपए नहीं देना। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी मैं बस में हूँ और मेरे एक भाई हैं, इंडियन भाई हैं, जो इस बस के ड्राइवर हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हीं से कुछ जानकारी लेंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज़ाना की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि अगर आप यहाँ पे कुवैत पे आते हैं ड्राइवरिंग में या फिर बस ड्राइविंग में, तो इसके रिलेटिव आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। और आप ये बताइए कि कुवैत में आपको आए हुए कितने साल हो गया? भाई मुझे 5 साल हो गया। मतलब 5 साल से आप कुवैत में हैं। और इंडिया से आप कहाँ से हैं और किस गांव से हैं? इंडिया में मेरा गांव वारिसगंज पड़ता है, जिला अमेठी है, थाना जगदीशपुर है। अच्छा, रहने वाले मतलब स्टेट हो गया यूपी, है ना? यूपी, यूपी के आप रहने वाले हैं। तो ये जो बस है ये सरकारी बस है, है ना? और सरकारी बस है, तो ये सरकारी बस में आप कैसे आए? मतलब यहाँ सरकारी बस इंडिया के लोग कैसे, मतलब यहाँ पे अगर कोई आना चाहता है तो न्यूज़ पे भी निकलता है कंपनी का नाम। अच्छा। और उसके डेट देते हैं, ट्रेनिंग होती है। अच्छा। यहाँ से आदमी जाता है ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। अगर आप वहाँ सेलेक्ट हो गए तो आप आ सकते हो। अच्छा। फिर एजेंट के थ्रू आओगे। अच्छा। अगर सेलेक्ट हो गए तो एजेंट के थ्रू आओगे। अच्छा, मतलब आपको मिल जाएंगे और आपको पैसे तब देना है जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाए, टिकट पर हो जाए, स्टैम्प हो जाए, तब पैसे देने, इसके पहले पैसे नहीं देने। अच्छा, इसका मतलब आपका जब पूरा काम हो जाता है तब पैसे, वीज़ा आ गया, मेडिकल हो गया, पीसीसी आ गया, आप गमका मेडिकल कटाने जाओगे तब 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, वीज़ा जमा करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, उस वक्त जो वीज़ा के लिए, काहे के ये आदमी मेडिकल करवाने जी 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 कैंसिल कर देता है, मैं नहीं जाऊँगा। और एक चीज़ ये भी होता है कि वीज़ा आने के बाद होता है कि कुवैत का जो मेडिकल होता है ना, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है कि कुवैत का मेडिकल वीज़ा के साथ ही होता है, लेकिन अदर्स कंट्री का जो मेडिकल होता है, गमका मेडिकल, वो विदाउट वीज़ा के हो जाता है, लेकिन कुवैत का एजेंट लोग का कमीशन जी, और वो वीज़ा के साथ ही होता है। तो एजेंट सब लेते हैं, क्योंकि अगर वीज़ा मेडिकल किसी का ख़राब हो गया तो वीज़ा हो सकता है कि बेकार हो जाए, या फिर वो लोग एक सिक्योरिटी के तौर पर 10,000-20,000 लेते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे बस का जो जॉब है वो कितने घंटे का ड्यूटी कितना है, और यहाँ पे आपको खाना या फिर कंपनी की तरफ से क्या क्या मिलता है? कंपनी की तरफ से रूम है, बाकी सब अपना है। अच्छा, इसमें टारगेट रहता है, जैसे रूट मिलेगा वैसे टारगेट रहेगा। आप टारगेट पूरा करोगे 2 KD मिलेगा। अच्छा। टारगेट के ऊपर जो कमाओगे उसमें आपको 100 पुलिस मिलेगा, मान के चलो 100 पुलिस डेली 1 KD पे, 1 KD पे 100 पुलिस मिलता है डेली का, आपको 3 KD 2 KD आपका कमीशन बन जाता है। अच्छा, मतलब इसमें कमीशन है आपका। अगर मान लीजिए कि दिन में अगर आप 10 घंटा गाड़ी चलाएं और अगर मान लीजिए कि 50 KD आपका इनकम हुआ, तो कंपनी देगी सैलरी के साथ, तो सैलरी के साथ वो देगी हर केडी में 100 फील्स। हर केडी जैसे 25 KD अभी मेरा टारगेट है। जी जी, अगर मैं 25 KD टारगेट पूरा किया तो मुझे 2 KD मिलेगा। अच्छा, इस तरह मतलब ये अलग से आपको कमीशन के तौर पे भी ये मिलता है, मतलब। और आपका जो बेसिक सैलरी है वो कितना? बेसिक सैलरी मेरी 150 है। अच्छा, 150 KD जो सैलरी है, जो इंडिया की तकरीबन आपका हो जाएगा अभी तो 27-28 हज़ार रुपये चलता है 100 KD का। हाँ, 40-42 हज़ार अभी हो जाएगा, क्योंकि अभी 1 KD का इंडिया में 270 रुपया है, तो उस हिसाब से कम 45 हज़ार रुपये हो जाएगा, और कमीशन अलग से। और कंपनी आपको सिर्फ रूम देती है, एकोमोडेशन जिसको बोलते हैं, मतलब फूड और आना जाना, तो मतलब बस है ये है, सब अपना है, सब फ्री है, आना जाना फ्री है। अच्छा, आना जाना तो फ्री है, बाकी अगर सिर्फ आप खाना ड्यूटी कर रहे हो, आपको 4 रेस्ट मिलेगा महीने में। अच्छा, 4 फ्राइडे आपको छुट्टी मिलेगा। अगर आप 4 ड्यूटी कर रहे हो जी, तो आपको 10 KD मिलेगा प्लस आपका कमीशन मिलेगा। अच्छा, और छुट्टी का जो अगर मतलब काम करता है तो उसका भी अलग से पैसा, उसका अलग से पैसा मिलता है, मतलब जो ड्यूटी पे अब्सेंट नहीं हो, ड्यूटी पे आप अब्सेंट नहीं हो, तो आपको 15 KD मेडिकल का मिलेगा। अच्छा, मतलब हर तरफ से अच्छा खासा तब हो जाता होगा। तो अगर कोई अगर ईमानदारी से नौकरी करोगे, ईमानदारी जिसको बोलते हैं जी जी, चोरी नहीं करोगे, अच्छा, तो आपका महीने में 200-250 KD बनना है। अच्छा, और अगर सैलरी छोड़ दो, उसको साइड कर दो, अच्छा, उसका कोई काम नहीं है। अगर आप चोरी करोगे तो आपकी आधी सैलरी साफ हो जाएगी कंपनी में। अगर किसी ने चेक करने के टाइम टिकट पकड़ लिया, आदमी को टिकट नहीं दिया, पैसे ले लिया,
तो आपकी सैलरी साफ हो जाएगी, फिर रिपोर्ट बन जाएगी, फिर उसमें आपको ना जेल भेजेंगे ना सफर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। बस आपका रिपोर्ट बना देंगे, आपकी सैलरी खत्म। अच्छा, मतलब इसमें एक चीज़ होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है, जो हमारे इंडिया की तरह जो एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है ना बस में किराया लेने के लिए, तो कुवैत में कोई नहीं रहता है, ड्राइवर साहब रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टिकट का बॉक्स है, ये देखिए ये टिकट का बॉक्स है, और आप कहाँ जाइएगा नहीं जाइएगा यहीं से आपका टिकट वो लोग निकाल के देते हैं डायरेक्ट। तो कुछ ड्राइवर होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि किसी को टिकट देते हैं किसी को नहीं देते हैं, तो जिसको मान लीजिए टिकट नहीं देते हैं, मतलब पैसा ले लिए टिकट नहीं दिए, तो वो पैसा ड्राइवर का बच जाता है। तो इस तरीके से जो कमीशन, मतलब चोरी का तराजू, एक तरह चोरी की चोरी ही कह सकते हैं, तो इस तरीके से जो करते हैं तो उनके लिए मतलब यही है कि अगर पकड़ा जाता है तो उनका सैलरी पूरा खलास हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब 20 KD काटते हैं एक महीने में, 20 KD काटते हैं। अच्छा। जैसे एक एक टिकट चोरी किया तो 20 KD काटेंगे। अच्छा अच्छा, तो एक एक उसमें रेगुलर फिर आपका टाइम बन गया ना कि एक बार पकड़ गए तो उनकी नज़र में चोर हो गए। बिल्कुल, मतलब आप रिपोर्टर, आपका रिपोर्ट खराब हो जाएगा, कहने का मतलब यही है। 5 साल हो गए अभी तक एक रिपोर्ट नहीं बनी। तो आप ये बताइए कि मान लीजिए कि आपका एक्स्ट्रा छोड़ के जो आपका जो ड्यूटी है और सैलरी है वो कितने घंटे का ड्यूटी है और सैलरी सिर्फ बताइए। ड्यूटी मेरा 8 घंटे पड़ जाता है, गाड़ी वाड़ी खड़ी करने में 2 घंटे लग जाते हैं और एक्स्ट्रा 10 घंटे हो जाते हैं। और आपका सैलरी? बेसिक सैलरी 150 150 150 150। अच्छा हाँ, 150 KD आप बोले, 150 KD सैलरी है। बाकी आपको रहना भी अपना है, मतलब कंपनी की तरफ से रहना है, खाना अपना है, आना जाना भी सब कंपनी की तरफ से है, सिर्फ जी जी खाना सिर्फ अपना है ना, खाना सिर्फ अपना है, बाकी सब कंपनी का है। तो अगर कोई आदमी, नया आदमी इंडिया का अगर कोई आना चाहता है बस ड्राइवर में, तो उसको एजेंट के थ्रू से आना चाहिए या फिर कोई अप्लाई, न्यूज निकलता है, अप्लाई करना हो इसका न्यूज निकलता है, सिटी बस का, बस चलाने का पेपर में देखते रहो, कंपनी का नाम बाकायदा न्यूज निकलता है, उस पर नंबर भी रहता है भाई। और ये बताइए कि यहाँ पैसे लिया, ये टिकट दिया, खलास, ये देख सकते हैं, ये पैसा लेके ये टिकट दे दी। इस यहाँ के बस में कोई चलती गाड़ी में सारा नहीं रहता है, चलती गाड़ी में आपको पूरा मैनेज करना है, मतलब जो ड्राइवर रहेंगे उसी को सारा चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। इंडिया में होता है कि अलग से एक कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं जो पैसा देते हैं, उठा दो पैसा उठा दो उसका, तो यहाँ पूरा मैनेज जो ड्राइवर साहब रहते हैं उन्हीं को करना पड़ता है। और यहाँ पर एक चीज़ बताइए, जैसे कि इंडिया में होता है ना कि पुलिस की तरफ से थोड़ा परेशान रहते हैं ड्राइवर सब, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुवैत के जो पुलिस हैं वो आपको परेशान करते कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी कहीं पर भी अगर एक खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गई जी जी, तो उसी जगह हैंड ब्रेक डाल दो चाहे पूरा कुवैत जाम हो जाए। अच्छा, कोई कुछ नहीं बोले, कोई आपको गाली तक नहीं देगा, गाड़ी लड़ने के बाद नीचे उतरो, सलाम वाले वाले सलाम, भाई किसकी गलती है, जिसकी गलती है वो पैसा भरो, अपने घर जाओ। अच्छा, जिसकी गलती है वो पैसा भरेगा, बात खलास करेगा। अच्छा, आप एक चीज़ और बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे बस मैं ही पूछेंगे कि अगर कोई मतलब जो फ्रेशर आना चाहता है किसी भी तरह का ड्राइवर में, चाहे वो सरकारी बस की ड्राइवर हो या फिर जो ट्रेलर ड्राइवर होता है या फिर फोर व्हीलर का ड्राइवर होता है। मैं ट्रेलर ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप ट्रेलर भी चला रहे हैं? मेरा एकामा ट्रेलर का है। अच्छा, लेकिन आप सरकारी बस चला रहे हैं? बस चला रहा हूँ, ट्रेलर का काम डाउन है, अपनी सैलरी बराबर बनती नहीं है ज़्यादा भाई, पैसा कमाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो हर कोई आता है कि पैसा जितना जल्दी, मतलब कम टाइम में पैसा कमा सके लोग, इसीलिए यहाँ पे घर बार छोड़ छाड़ के आते हैं लोग, ताकि यहाँ पे पैसा कमा सके। तो अगर आप ईमानदारी से नौकरी करोगे तो आपका 40,000 45,000 कहीं नहीं गया। अच्छा। और आप अगर चोरी करोगे तो भाई चोरी करने वाले को कोई रोक नहीं पाता। इंडिया में भी 40,000 45,000 कमाते हैं लोग, मैं खुद कमाता था, लेकिन इंडिया का पैसा बचता नहीं, बचता नहीं है। यहाँ का पैसा यही है कि सेव हो जाता है आदमी का, यहाँ रेगुलर पैसा आता है, उसमें हराम का पैसा मिला रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है, यहाँ मेहनत का पैसा, ये भी बात है, वहाँ पे यहाँ ये एक चीज मैं कॉन्सेप्ट है, इंडिया के लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर में बहुत पैसा है, लेकिन यहाँ पे जितना पैसा आपको दिखता है उसके पीछे उतना मेहनत भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक चीज है, आप 30 दिन में 300 ड्यूटी करते हो। बिल्कुल, इंडिया में 10 दिन ड्यूटी करते हो, 10 दिन मामा के यहाँ जा रहा हूँ, बहन के यहाँ जा रहा हूँ, ससुराल जा रहा हूँ, इसमें चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी बारिश में, कभी और कुछ में, कभी और कुछ में, लेकिन यहाँ पे आपको ड्यूटी करना है और ड्यूटी आपको बराबर मिलेगा। और हमारी कंपनी में अगर एक छुट्टी कर लिया तो उसका रीजन देना पड़ता है, मेडिकल है क्या है, किस रीजन से छुट्टी की हो, उसका एप्लीकेशन दो,
वरना 20 के डी कटेगा, 20 के डी कटेगा। या मेरी कंपनी में भी है कि अगर आप छुट्टी कर लेते हैं बगैर इन्फॉर्म किए हुए तो आपका पैसा कट जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप हाँ मेडिकल गए थे, तो उसका रिसीव वगैरह भी दिखाना पड़ता है। तो आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताएंगे, कुछ अगर बोलना चाहें तो? भाई मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई ताना चाहते हो तो किसी भी एजेंट को पासपोर्ट दो, तो जब तक आपका वीजा ना मिल जाए, टिकट ना हो जाए, एक रुपये नहीं देना। क्योंकि बहुत आदमी है कि पासपोर्ट ले लिया, उसके बाद 10,000 रुपये ले लिया, पासपोर्ट लेके भाग गए। जब तक वीजा आपको मिल ना जाए, यानी मेडिकल टिकट हो जाए, ऑन पेमेंट आप दे दो तुरंत। मैं खुद देखे आया हूँ, 1,40,000 देखे आया हूँ। अच्छा, आप 1,40,000 देकर आए? मैं इंटरव्यू दिया हूँ, 1,40,000 भी दिया हूँ। अच्छा। और कोई तो रिटेन भी था, फिर भी तो चलिए, पैसा मायने नहीं रखता है। बात यह है कि अगर आपको यहाँ आके काम अच्छा मिल जाए, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि कुछ लोग पैसा भी दे के आते हैं, ऊपर से आप यहाँ पे आके काम भी सही नहीं मिलता है, ऊपर से यहाँ पे आके धक्का खाते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमारी कंपनी दूसरों के लिए बुरी है, हमारे कंपनी के ड्राइवरों के लिए बुरी है। मैं बोलूँगा मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो चोरी करोगे तब बुरी है। वो तो हर किसी का बात है। अगर ईमानदारी से आप नौकरी कर रहे हो तो कंपनी नंबर 1 की है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। आपकी कंपनी का नाम? KGL है। अच्छा, आपके ये कंपनी का नाम है KGL। ये जो बस है, ऑरेंज कलर का बस है ये, तो ये तो इंडिया का मेड इन इंडिया ही तो है। मेड इन इंडिया है ये, इंडिया ही से एक्सपोर्ट होता है ये बस। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूँ। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, रोड पे नए हो चैनल पे तो लाइक कर दो, सरप्राइज कर दो, और भाई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सॉरी। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप भाई इतना बोल दिया, बहुत बहुत यार। भाई देखो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ है समझ लेता हूँ। बहुत भाई आप बहुत है, इंडिया में ऐसा हालत है अभी के पढ़े लिखे लोग। इंडिया की हालत देख के मैं देखा हूँ, मेरा भाई बड़ा वाला भाई पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रेजेंट टाइम में खुद का बिजनेस कर रहा है। क्या करेगा, क्या करेगा, नौकरी है नहीं कहीं। वहाँ पे ग्रेजुएट आदमी 20,000 रुपये का नौकरी नहीं मिलता है, इंडिया में धक्के खा रहे हैं लोग। और अगर कोई 20,000-25,000 कमा भी रहे हैं तो 20,000-25,000 बचा नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000-15,000 बचा पा रहे हैं। खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भाई नौकरी नहीं किया, अपनी अपना बिजनेस कर रहा है, मैं उससे खुश हूँ। बिल्कुल, ये बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है। तो वीडियो पे अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।